वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? जब ये पॉलिनेशन हो जाती हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उस पोलन ग्रेन्स को जब ट्रांसफ़र करता है स्टिग्मा तक, तो जो उस फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये हो गया एंथर, ये एंथर होता है, ये फ्लैमेंट होता है, तो स्टेमन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है स्टिग्मा। अब यहाँ पे जो एंथर होता है इसमें पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे स्टिग्मा तक। तो ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, तो जो इनको यहाँ से यहाँ तक लाएगा स्टिग्मा तक, उन चीज़ों को बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो इस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होता है, या ये वाटर हो सकता है या विंड हो सकता है, तो कभी कभी क्या होता है इंसेक्ट से भी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर हम टाइप्स देखेंगे इसके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ये जो वाटर जो होता है, ये विंड जो होता है, ये क्या होता है, ये नॉन लिविंग होता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं, ये लिविंग होते हैं। इस तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बायोटिक, बायोटिक मतलब लिविंग, लिविंग में आ गए इंसेक्ट्स या एनिमल्स। दूसरा जो क्लास होता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का, वो होता है एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग पार्ट जो होते हैं, नॉन लिविंग एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशन के। वो सबसे पहले देखेंगे बायोटिक। ये जो एबायोटिक जो होता है, ये यहाँ पे एबायोटिक हो गए, ये बायोटिक जो होता है, ये ऐसे इसमें कौन कौन से आते हैं, एनिमल्स आते हैं, इंसेक्ट्स, फॉर एग्जांपल बीज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, या फ्लाइज हो गए, वास्प्स हो गए, आंट्स जो होते हैं, मॉथ्स, बर्ड, बर्ड्स में क्या क्या आते हैं, सन बर्ड, या आते हैं हमिंग बर्ड, तो बैट भी आता है इसमें। ये जो बायोटिक जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं, इसमें जो एनिमल्स जो होते हैं और इंसेक्ट्स जो होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट जो कंसिडर किया जाता है, डोमिनेंट जो होता है, वो होता है बीज। बीज सबसे डोमिनेंट होते हैं इस बायोटिक पार्ट, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। जो लार्ज एनिमल्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइमेट्स हो गए, आर्बोरियल्स होते हैं, या रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, गेको लिजर्ड या गार्डन लिजर्ड जो होते हैं, ये भी रिपोर्टेड किया गया है। जो ऐसे लार्ज एनिमल्स जो होते हैं, इनसे भी ये भी कंसिडर किया जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। दूसरा जो होता है एबायोटिक, एबायोटिक में क्या आता है, विंड आता है और वाटर आता है। एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा पोलन ग्रीनस विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग एजेंसीज, तो उनको बोलते हैं एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। इसमें क्या आता है, विंड आता है और वाटर होता है। ये जो एबायोटिक पार्ट जो होता है, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं जो एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यूज़ करते हैं। इनसे जो जो विंड और वाटर इसमें आता है, इनमें सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन एजेंट हो पॉलिनेशन करता है, वो करता है विंड। मतलब सबसे ज़्यादा एमंग इसमें वाटर और विंड में, विंड जो होता है सबसे ज़्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट, इसी को कंसिडर किया जाता है एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इस वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन। अभी हमने पढ़ा था एबायोटिक और बायोटिक। ये जो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है, ये बायोटिक पार्ट में आता है। पॉलिनेशन जो हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इस तरीके का जो पॉलिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन, या कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, एंटोमोफाली भी बोलते हैं। मेजॉरिटी जो इंसेक्ट्स होते हैं,
अगर हम देखेंगे जो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होती है, इसमें जो फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होनी चाहिए तब इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। फ्लावर क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, तभी वो अट्रैक्टिव बन जाएगा। फ्रैग्रेंट मतलब खुशबूदार होना चाहिए। और दूसरा क्या है? रिच इन नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? ये स्वीट विस्कस सिक्रेशन होते हैं जो फ्लावर्स में फ्लावर सिक्रेट करते हैं। ये रिच होता है वाटर सोल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब शुगर सोल्यूशन होते हैं इसमें, ये नेक्टर जो होता है ये रिच होता है। ये जो एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये अट्रैक्ट होते हैं ये जो फ्लावर के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं, ये कलर्स जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, इससे क्या होता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जब वो आते हैं फ्लावर के पास तो वो क्या करते हैं, फ्लावर को भी मतलब इंसेक्ट्स आ गए फ्लावर के पास, लेकिन फ्लावर भी उनको कुछ रिवार्ड्स देते हैं। वो रिवार्ड्स क्या होते हैं? एक होता है नेक्टर, दूसरा होता है पोलन ग्रेन्स। तो ये दो रिवार्ड्स या अवार्ड्स जो होते हैं जो ये फ्लावर इन इंसेक्ट्स को देते हैं। तो इस ये जो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इसको हासिल करने के लिए क्या होते हैं, ये इंसेक्ट्स इस फ्लावर पे आते हैं। जब वो इस फ्लावर पे आते हैं तो ये जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स जो होते हैं इंसेक्ट्स से ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। फिर जब वो वहाँ से निकल जाते हैं, उस फ्लावर से निकल जाते हैं या उस एंथर से निकल जाते हैं पोलन के साथ, वो दूसरे फ्लावर में पहुँचते हैं जहाँ या उस दूसरे या स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस स्टिग्मा के साथ अपनी बॉडी पे वो पोलन ग्रेन्स को डाल देते हैं स्टिग्मा। इस तरीके से जो पॉलिनेशन होती है उस फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाती है। कभी एक तो ये मतलब पोल नेक्टर देते हैं ये फ्लावर इन इंसेक्ट्स को, दूसरा देते हैं पोलन ग्रेन्स। कभी क्या होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं फॉर एग्जांपल ये जो एमॉर्फोफिलस फ्लावर जो होते हैं, सबसे टॉलेस्ट फ्लावर जो होता है, तो ये क्या काम करता है, कभी कभी ये इंसेक्ट्स को सेफ प्लेस देता है अपने अंडे रखने के लिए। तो ये एमॉर्फस जो होता है, एमॉर्फोफिलस जो होता है, ये इसमें क्या करते हैं, इंसेक्ट्स अपने अंडे देते हैं। दूसरी एग्जाम्पल जो होती है, दूसरा मतलब जो काम होता है फ्लावर का, ये मॉथ एंड द यूका प्लांट जो होता है, इसमें क्या होता है, जो मॉथ जो होता है एक इंसेक्ट होता है वो क्या करता है, इस यूका प्लांट में अपने अंडे डाल देता है। तो फिर क्या करता है, जो जब वो अंडे डाल देते हैं तो वो अंडे डालने के लिए क्या होता है, एक स्पेस देता है, जगह देता है फ्लावर। तो फ्लावर फ्लावर को उससे पॉलिनेशन हो जाती है और फ्लावर बदले में क्या देता है, उसको जगह देता है। तो जब वो लार्वा बन जाते हैं, सीड बन जाता है फ्लावर में, तो वो जो लार्वा उस एग में से निकल के बाहर निकल जाता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, सब्जी में कभी कभी कीड़े निकल जाते हैं, कभी कभी क्या होते हैं वो लार्वा रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसमें उस सब्जी में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी जो होता है ना ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, कभी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को सिर्फ ले जाते हैं और नेक्टर को भी ले जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प नहीं कर देते हैं। मतलब एक तो पोलन ग्रेन्स या नेक्टर को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, उसको स्टिग्मा पे डिपॉजिट नहीं कर देते हैं। वो कोई अपने जो शहद होता है, हनी होता है, उसको यूज़ करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन स्टिग्मा पे उस पोलन ग्रेन को या उस नेक्टर को नहीं डालते हैं। इस तरीके के जो इंसेक्टर्स जो होते हैं, इस तरीके के इंसेक्टर्स को बोलते हैं पोलन या नेक्टर रॉबर्स, क्योंकि ये क्या करते हैं अपने साथ पोलन ले जाते हैं और नेक्टर्स को भी ले जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।